नमस्कार दोस्तों, मैं सुखदेव कंबोज एक बार फिर से हाजिर हुआ हूं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के। दोस्तों, अगर आप स्टडी शॉर्ट पर नए हैं तो कीजिए स्टडी शॉर्ट को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जनरल साइंस के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं, आपको अच्छे मार्क्स दे जाते हैं और लगभग क्वेश्चन जो है ये बनते ही बनते हैं। ऊर्जा रूपांतरण पे यानी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन, और उपकरण में उपयोग यानी कुछ एक जो उपकरण है, इक्विपमेंट्स हैं और उनके यूजेस जो है, उस पर हम क्वेश्चन जो है आज डिस्कस करेंगे। फटाफट से देख लेते हैं कि विद्युत बल्ब क्या करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है हमारा, वो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है। विद्युत बल्ब में क्या होता है हमारा दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को रूपांतरित होता है ये प्रकाश ऊर्जा में। तो आपका क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है कि विद्युत बल्ब का ऊर्जा रूपांतरण निम्न प्रकार है। तो आपको चार ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें आपका एक ऑप्शन लिखा जाएगा कि विद्युत बल्ब जो है विद्युत ऊर्जा को क्या करता है, प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है। अब इसकी फटाफट से बात कर लेते हैं। अगर मैं हीटर की बात करूं तो ये विद्युत ऊर्जा को क्या कर देता है दोस्तों, विद्युत ऊर्जा को ये ऊष्मा ऊर्जा में जो है कन्वर्ट कर देता है। क्योंकि ऊर्जा का सिद्धांत जो दिया गया है कि ऊर्जा न तो नष्ट की जा सकती है और न ही स्टार्ट की जा सकती है, मतलब ये इसका रूपांतरण होता रहता है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। अगर बात करते हैं लाउड स्पीकर की दोस्तों, तो लाउड स्पीकर में क्या होता है कि अगेन विद्युत ऊर्जा जो होती है हमारी, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ध्वनि ऊर्जा में क्या कर दिया जाता है, इसका रूपांतरण कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं, अगर विद्युत मोटर की बात करूं तो अगेन विद्युत ऊर्जा को रूपांतरण किया जाता है किसका, विद्युत मोटर क्या करती है विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देती है, यांत्रिक ऊर्जा में बदल देती है। तो इसी तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम के अंदर और बहुत बार पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं जनरेटर की अगर मैं बात करूं तो जनरेटर क्या करता है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बात होगी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, माइक्रोफोन क्या करता है हमारा, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। अगर मैं बात करूं सोलर सेल की तो ये क्या करता है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगर मैं बात करूं मोमबत्ती क्या करती है, ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देती है। तो ऊष्मा ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में ये चेंज कर देती है। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, सितार को हम क्या करते हैं, हाथ से बजाते हैं, तो यांत्रिक ऊर्जा को ये क्या करती है, यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में ट्रांसफर करती है। डायनमो की बात करूं तो आपको पता है एसी को ये डीसी में कन्वर्ट करता है, तो एसी धारा को ये डीसी धारा के अंदर कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों, ये तो बात होगी ऊर्जा ट्रांसफॉर्मेशन की। फटाफट से हमने देख लिया कि ये सारे उपकरण क्या करते हैं, किस प्रकार से ऊर्जा का रूपांतरण करते हैं। देख लेते हैं, विद्युत बल्ब जो विद्युत को प्रकाश में बदलता है, हीटर जो है विद्युत को ऊष्मा में बदलता है, लाउड स्पीकर जो है विद्युत को ध्वनि में बदलता है, विद्युत मोटर जो है विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, जबकि जनरेटर जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। माइक्रोफोन की बात करूं तो ध्वनि ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सोलर सेल की बात करूं तो ये सौर ऊर्जा को क्या बदल देता है, आपका विद्युत ऊर्जा के अंदर बदल देता है। मोमबत्ती की बात करूं तो ऊष्मा ऊर्जा को ये प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। सितार की बात करूं तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, जबकि डायनमो जो है एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो दोस्तों, ये बात कर ली हमने ऊर्जा के रूपांतरण की। अब फटाफट से बात करेंगे जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन पक्का आता है, जब भी जनरल साइंस में आता है तो एक क्वेश्चन पक्का आता है, तो यहां से एक नंबर आपका बन जाएगा। अगर मैं बात करूं जो नॉर्मल क्वेश्चन जो पहले पूछे जाते थे, वो थोड़े नए तरीके से पूछे जाने लगे हैं, क्योंकि कुछ जो ये इक्विपमेंट्स जिसके बारे में पहले पता किया जाता था, मतलब आपका जो क्वेश्चन आता था वो सिस्मोग्राफ और ये भूकंप की तीव्रता नापने वाले, ये जो है जनरल क्वेश्चन हो गए। आज हम कुछ हटके बात करेंगे जिनके ज्यादा चांसेस हैं आप आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाने के। अगर मैं बात करूं अल्टीमीटर की, तो अल्टीमीटर क्या होता है दोस्तों, ये करता है वायुयान की, उड़ते हुए जो वायुयान है उनकी ऊंचाई नापता है। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो वायुयान की ऊंचाई नापा जाता है इसमें, उड़ते हुए वायुयान की ऊंचाई नापी जाती है। अगर मैं बात करूं एनीमोमीटर की, तो दोस्तों एनीमोमीटर जो है अगेन ये काम करता है हवा की गति,
हवा यानी वायु, हवा की गति एंड शक्ति नापने का उपकरण है ये। तो एनीमोमीटर आपका ये हो गया। अब बात करते हैं ऑडियोमीटर की। अगर मैं ऑडियोमीटर की बात करूं तो ये काम करता है दोस्तों, ऑडियो जैसे आपको पता है ध्वनि से रिलेटेड है, तो ये ध्वनि से ही रिलेटेड है, ध्वनि की तीव्रता नापता है, ध्वनि की तीव्रता नापने का काम करता है। तो ये बात हो गई दोस्तों। अब बात करेंगे बैरोमीटर की। बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब को नापता है, वायुमंडलीय दाब को नापने का ये यंत्र है। क्वेश्चन एक इसमें से पक्का आता ही आता है। अब बात करेंगे पायरोमीटर की। पायरोमीटर क्या करता है दोस्तों, उच्च तापमान को नापने का कार्य करता है। एक तो नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है हम हीट उससे अपने जो है थर्मामीटर से नाप लेते हैं, लेकिन उच्च क्वालिटी का जो तापमान होता है, हायर टेम्परेचर नापने के लिए पायरोमीटर का यूज किया जाता है। उच्च तापमान नापने के लिए ये यूज होता है पायरोमीटर। अब बात करेंगे हाइड्रोफोन की। हाइड्रोफोन जो होता है दोस्तों, हाइड्रोफोन क्या करता है, पानी में ध्वनि की तीव्रता को नापता है, पानी में ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को नापने का काम करता है हाइड्रोफोन का ये काम। अब बात करेंगे कि स्टेथोस्कोप की। स्टेथोस्कोप का क्या काम होता है दोस्तों, स्टेथोस्कोप जो होता है हमारे हृदय की यानी हमारे दिल की और फेफड़ों की ध्वनि सुनने में, ध्वनि सुनने वाला उपकरण है, सुनने के लिए यूज होता है। आपने देखा होगा स्टेथोस्कोप जो है डॉक्टरों के पास होता है, जो वो गले में लटकाए रखते हैं, उसको स्टेथोस्कोप बोला जाता है, जिससे आपकी हृदय पर आपके फेफड़ों की जो है वो ध्वनि सुनने के लिए वो यूज करते हैं। अब फैदोमीटर की बात करूं तो फैदोमीटर की जो यूज है दोस्तों, फैदोमीटर होता है समुद्र की गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने का ये यंत्र है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कार्डियोग्राम। आपको एज इट इज इसको याद रखना है, क्योंकि इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है और पक्का क्वेश्चन इसके अंदर आता ही आता है। कार्डियोग्राम की अगर मैं बात करूं तो ये हृदय की गति की जांच करने में, हृदय की गति की जांच करने में इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं टैकोमीटर की। टैकोमीटर क्या होता है दोस्तों, ये घूर्णन की गति जो है, यानी घूमने की जो गति है उसको नापने के लिए उपकरण है। घूर्णन की गति नापने के लिए ये उपकरण। तो दोस्तों ये हमने देख लिया उपकरण और उनके उपयोग। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कुछ और उपकरण हम देखेंगे, उसके यूजेस देखेंगे, और इसी तरीके से जनरल जो क्वेश्चन है वो हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। इनमें से जो है आपका एक क्वेश्चन जो है आता ही है, क्योंकि आपके जो जनरल साइंस के क्वेश्चन बनते हैं उसमें एक उपकरण का क्वेश्चन आता है, और ये ऊर्जा रूपांतरण वाला भी क्वेश्चन आपका पक्का आता ही आता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।